हेलो एंड वेलकम टू एक्सप्लोर एकेडमी। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था हिमाचल का करंट अफेयर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेशनल करंट अफेयर 2023 मई का करंट अफेयर करने जा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया मई का करंट अफेयर क्यों कर रहे हैं। अगर आप अलाइड की डेट की बात करते हैं कि कब उसका प्रीलिम होगा, तो अप्रैल मई इस तरीके से ही होगा, तो आपको एक साल का लेकर के चलना है, तो मई से तो पहले ही हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये लेकर के चले हुए हैं कि भैया मई से शुरुआत करते हैं, जिसका हम आज एक पार्ट वन डिस्कस करेंगे। तो अंत तक इस वीडियो को देखिएगा। हम हिंदी और इंग्लिश बोथ मीडियम में इसको करेंगे, कुछ इस तरीके से इसको डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मेट रहेगा हमारा और इसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन होगी और अंत तक इसको डिस्कस करेंगे। मंथली एमसीक्यू है, एक्सप्लेनेशन है, स्पेशल फोकस इसका अलाइड और एचएस पर रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी के एग्जाम के रेलेवेंट नहीं है। हिमाचल के जितने भी एग्जाम है, चाहे वो नेशनल लेवल के एग्जाम क्यों ना हो, उनके लिए भी रेलेवेंट है। तो एक एक करके डिस्कस करेंगे। इसकी पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर या फिर आपके एप्लीकेशन पर फ्रीली उपलब्ध है, वहां से आप जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ साथ में ही 75 डेज में किस तरीके से हमें अलाइव की तैयारी करनी है, तो वो वीडियो भी आउट हो चुकी है। आप लोगों ने नहीं देखी होगी तो उसको आप देख लीजिएगा। 75 डेज स्ट्रेटजी फॉर अलाइव और प्रीलिम और मेंस के लिए किस तरीके से। दूसरा, स्कॉलरशिप टेस्ट जो है वो 7 जनवरी 2024 को है, जिसे पता है अच्छी बात है, जिसे नहीं पता है वो 7 जनवरी 2024 को स्कॉलरशिप टेस्ट याद से दे दीजिएगा। 11 से 12 बजे तक 100 क्वेश्चंस होंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी, टॉप 5 या टॉप 10 तक, टॉप 20 तक, इस तरीके की आपकी स्कॉलरशिप रहेगी, जिसकी डिटेल भी आपको या जिस ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। खैर, शुरुआत करते हैं अब करंट अफेयर से, नेशनल करंट अफेयर से। तो अगर आपको फॉर्मेट अच्छा लगे या फिर आपको कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो कि ये इम्प्रूव किया जा सकता है, तो अपने जो व्यूज़ हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। या फिर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा वीडियो को शेयर करके। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच नेशन इम्प्लीमेंटेड द बेसिक प्लान ऑन ओशन पॉलिसी। तो किस राष्ट्र ने महासागर नीति पर बुनियादी योजना लागू की है, इसका आंसर क्या है। तो ये बुनियादी जो महासागर नीति पर बुनियादी योजना है, किसके द्वारा लागू की गई है, आंसर इज जापान। तो जापान कैबिनेट लेड बाय प्राइम मिनिस्टर फ्यूमियो किसादा रिसेंटली अडॉप्टेड द बेसिक प्लान ऑन ओशन पॉलिसी, द 5 ईयर ओशन पॉलिसी। अब ये क्यों है, क्योंकि इन दोनों के बीच में आप देखते हैं कि चाइना के साथ लगता हुआ जो बॉर्डर है, कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, इन दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट रहता ही है। जापान के कुछ आइलैंड्स आगे हैं यहाँ पर और कुछ जापान चाइना के आइलैंड है, तो इन चाइना जो है कन्फ्लिक्ट में चला ही रहता है। तो आपको थोड़ा बहुत मैपिंग का भी आइडिया होना चाहिए इसके साथ में ही। और किसके लिए ये, टू एनहांस मरीन सिक्योरिटी इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीजिंग असर्टिवनेस बाई चाइना इन रीजनल एरियाज। तो चाइना की असर्टिवनेस या चाइना की जो कंट्रोल है दूसरे रीजन पे करना चाहती है, तो उसको देखते हुए, अपनी मैरिटाइम सिक्योरिटी को देखते हुए जापान के द्वारा ये महासागर नीति पर बुनियादी योजना लागू की गई है जापान के द्वारा। तो याद रखिएगा, मूल रूप से 2008 में तैयार की गई महासागर नीति पर मूल योजना में हर 5 वर्ष में संशोधन किया जाता है, विच इज इंपॉर्टेंट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, मुतमिस अरिगनार डॉक्टर कलिगनार पेन स्मारक किस नेता के सम्मान में मनाया जाने वाला है। तो किस नेता के बारे में मनाया जाने वाला, इरेक्टेड इन ऑनर ऑफ विच लीडर्स। ऑप्शन आपके पास 4 ऑप्शन है, आंसर इज एम करुणानिधि। द प्रपोजल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द, नेक्स्ट नाम जो आपके पास है, ठीक है, तो मुतमिज अरिगनार डॉक्टर कलिगनार पेन स्मारक के निर्माण के प्रस्ताव की मंजूरी दे दी गई है। अनुमान है कि यह अपतटीय स्मारक 30 मीटर ऊंचा होगा और लगभग 8,551 वर्ग स्क्वायर मीटर के क्षेत्र को कवर करेगा, और यह स्मारक दिवंगत डीएम के संरक्षक एम करुणानिधि को समर्पित होगा। ये है एम करुणानिधि, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, देखिए, तो इनका जन्म कब हुआ, इनके बारे में, करुणानिधि के बारे में है थोड़ा सा। 1924 में जन्म हुआ, 7 अगस्त 2018। वॉज एन इंडियन राइटर एंड पॉलिटिशियन हु सर्व एज चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु फॉर ऑलमोस्ट 2 डिकेड्स। तो ये आपके पास है, जो पेन स्मारक बनाने की अभी बात चली हुई है, तो इसे मंजूरी मिल चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज रिसेंटली प्रोहिबिटेड ड्वार्फ वुल फाइटिंग। तो किस कंट्री के द्वारा या हाल ही में किस देश ने बौने सानों की लड़ाई पर रोक लगा दी है, आंसर इज स्पेन। इसमें क्या होता है कि कुछ बौने होते हैं और बुल फाइटिंग करवाई जाती है इनके साथ में ही,
So Spain has recently passed a law banning dwarf bullfighting, an event where individuals with dwarfism dress in costume and participate in bullfighting. The Spanish parliament has outlawed such comic bullfighting events, a move that has received praise from disability rights organization. Important exam ke liye, to kis desh ne haal hi mein bullfighting, dwarf bullfighting par ban lagaya hai? So answer is Spain. Next hai, in which state or union territory was the national conference of national police mission recently held? So kahan par ye organize hua? Haal hi mein rashtriya police mission ka rashtriya sammelan kis rajya kendra shasit pradesh mein ayojit kiya gaya? Answer is New Delhi. Ye kaun sa tha? Fourth National Conference of National Police Mission recently took place. During the conference, discussion focused on the key issues jaise ki aapka including the establishment of the National Financial Investigation Bureau, mobile ya CCTNS ke bare mein pichle kal discuss kiya tha, Himachal ke current affair ke bare mein. To comment section mein bataiyega ki CCTNS mein Himachal ka kaun sa rank hai in a northern states. To ye bataiyega zara. यूटिलाइजेशन ऑफ ड्रोन्स, उसका ड्रोन्स का यूज कैसे किया जा सकता है. यूनिफॉर्म सिविल रिक्रूटमेंट बोर्ड का निर्माण सभी इसमें शामिल है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ द जगनन्ना चेबुदम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? आंसर इज ग्रीवियंस रिड्रेसल, यानी कि शिकायत का निवारण. तो जगनन्ना चेबुदम योजना सार्वजनिक शिकायत निवारण संपदा कार्यक्रम का एक उन्नत संस्करण है. आंध्र प्रदेश सरकार ने इसे 9 मई को लॉन्च किया है. तो क्वेश्चन इस तरीके से भी पुट आउट हो सकता है कि कौन सी गवर्नमेंट के द्वारा हाल ही में जगनन चेबुदम योजना शुरुआत की है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? शिकायत का निवारण है या ग्रीवियंस रिड्रेसल है? भाई आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट. और कौन सा हेल्पलाइन नंबर है? 1092 उसका रिड्रेसल हेल्पलाइन है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी इंट्रोड्यूस द लाडली बहन योजना? हाल ही में ये न्यूज में चला हुआ था कि लाडली बहन योजना चली हुई है. तो कौन से किस राज्य के द्वारा ये शुरू की गई है? तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लाडली बहन योजना, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में महिलाओं को वित्तीय सहायता यानी फाइनेंशियल हेल्प देने के लिए प्रदान करने के लिए शुरू की गई है. एक पहल है. मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री ने हाल ही में भोपाल में इस योजना के तहत विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु होल्ड्स द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द फर्स्ट इंडियन टू फिनिश द गोल्डन ग्लोब रेस? पहले गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाले पहले भारतीय होने का गौरव किसे प्राप्त है? आंसर इज अभिलाष टोमी. इन अ हिस्टोरिक अचीवमेंट, रिटायर्ड कमांडर अभिलाष टोमी बिकम द फर्स्ट इंडियन टू सक्सेसफुली कंप्लीटेड द गोल्डन ग्लोब रेस. दिस रेस रिनाउंड एज द लॉन्गेस्ट स्पोर्टिंग इवेंट ग्लोबली, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट द यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी. एंड टोमी होल्ड द डिस्टिंक्शन ऑफ बींग द फर्स्ट एशियन स्कीपर टू सिक्योर अ पोडियम फिनिश इन एनी राउंड द वर्ल्ड रेस इन एनी फॉर्मेट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द रिसेंट न्यूज अब्दुल्ला, नाम है अब्दुल्ला अबुबकर, नॉन फॉर एक्लिप्समेंट इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स? हाल ही में खबरों में अपनी उपलब्धियों के लिए जाने जाने वाले अब्दुल्ला अबुबकर किस खेल से जुड़े हैं? तो कौन से खेल से जुड़े हैं देखिए, तो वो है ट्रिपल जंप से जुड़े हुए. ट्रिपल जंप में राष्ट्रमंडल खेलों के रजत पदक विजेता अब्दुल्ला अबुबकर ने जापान के हिरोशिमा में मिकियो ओडा मेमोरियल एथलेटिक मीट में सीजन की सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 16.31 मीटर के साथ स्वर्ण पदक हासिल किया. केरल का 27 वर्षीय एथलीट जिसका व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 17.19 मीटर है, ट्रिपल जंप के खेल में अपनी उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए सुर्खियां बटोर रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी वॉज द मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर इनॉग्रेटेड? तो ये कहां पर बाजरा अनुभव केंद्र का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? आंसर इज नई दिल्ली. तो बाजरा अनुभव केंद्र एक अग्रणी सुविधा का उद्घाटन दिल्ली हार्ट, यह आपका INA, एस्टेब्लिश्ड इन द कोलैबोरेशन बिटवीन द नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन दैट इज NAFED एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर. द मिलेट एक्सपीरियंस सेंटर एम्स टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट मिलेट्स एंड प्रमोट देयर एडॉप्शन अमंग द जनरल पब्लिक, ताकि ज्यादा लोग जो है मोटे अनाजों का सेवन करें, क्योंकि आगे भी इसके बारे में ही न्यूज है. देखिएगा एक और, जहां पर मिलेट्स के बारे में बताया गया है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया है 2023 को बाय यूनाइटेड नेशन. एज ऑफ 2023 व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्मॉल फार्मर अमंग द टोटल फार्मर्स इन इंडिया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2023 तक भारत में कुल किसानों में छोटे किसानों का प्रतिशत कितना है? तो वो है आपका 85%. ड्यूरिंग द इनॉग्रेशन ऑफ फार्म मशीनरी टेक्नोलॉजी सबमिट बाई मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर नरेंद्र सिंह तोमर, इट वॉज हाईलाइटेड दैट अप्रॉक्सिमेटली 85% ऑफ द फार्मर इन द कंट्री
fall into the category of small farmers. This summit is organized by a confederation of the Indian industry and the tractor and mechanization association. Next question hai hamare paas, in which country is Berenice Tragoditeca, which has been recently featured in the news, is located. So ye kahan par sthit hai? Berenice Tragoditeca, जो हाल ही में समाचारों में छाया हुआ है, किस देश में है? तो यह आपका मिस्र में लाल सागर के पश्चिमी तट पर एक प्राचीन बंदरगाह जिसका नाम है बेरेनिस ट्रेग्लोडाइटिका ने ध्यान आकर्षित किया क्योंकि स्थल पर बुद्ध की एक प्राचीन मूर्ति का पता चला है। तो एक बुद्ध की प्राचीन मूर्ति मिली, इसलिए न्यूज में है। और भारत और मिस्र के बीच ऐतिहासिक संबंधों को उजागर करने वाली इस खोज की घोषणा मिस्र के पर्यटन और पुरावशेष मंत्रालय द्वारा की गई। तो इस तरीके से मूर्ति मिली है, ये आपका तट है मिस्र के, जो रेड सी है, रेड सी के साथ में ही लगता हुआ क्षेत्र जहां पर ये मूर्ति मिली हुई है बुद्ध की। इन विच स्टेट हैव साइंटिस्ट डिस्कवर्ड अ केव कंफर्मिंग दैट थ्री ड्राउट्स लेड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ हरप्पा। तो वैज्ञानिकों ने किस राज्य में एक गुफा की खोज की जो इस बात की पुष्टि करती है कि तीन सूखे के कारण हड़प्पा का विनाश हुआ है? तो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो यह है आपका उत्तराखंड में। तो वैज्ञानिकों ने स्टेलगेमाइट का उपयोग करके, स्टेलगेमाइट, स्टेलगेटाइट, क्या क्या चीजें होती हैं ये, स्टेलगेमाइट खनिज भंडार का एक ऊपर की ओर बढ़ने वाला टीला है, जो ऊपर की ओर ऐसे बढ़ता है ऊपर को, और ये ऊपर छत की तरह होता है, ये ऊपर की तरफ हिस्सा जो गया होता है उसे आप कहते हैं स्टेलगेमाइट, जो गुफा के फर्श पर पानी टपकने से उत्पन्न होता है। अधिकांश स्टेलगेमाइट के सिरे गोल या चपटे होते हैं। गुफाओं में कई अन्य प्रकार के खनिज संरचनाएं पाई जाती हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में, कहां पर मिला ये? पिथौरागढ़ जिले के पास एक गुफा है। तो महत्वपूर्ण जानकारी का खुलासा हुआ है। निष्कर्षों से पता चला है कि 4200 साल पहले पड़ने वाले और 20 से 90 साल तक चलने वाले तीन सूखे हड़प्पा, राखीगढ़ और धौलावीरा के विनाश के जिम्मेदार है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज बन जाती है कि कहां पर ये आपको इस तरीके की साइट मिली है जहां पर आपको पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता का जो विनाश हुआ वो आखिरकार कैसे हुआ और तीन सूखे के कारण हुआ है। विच एस्ट्रॉइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनुअल जेमिनिड मेट्रॉइड शावर, वार्षिक जेमिनिड उल्कापात के लिए कौन सा क्षुद्र ग्रह जिम्मेदार है? तो आंसर इज एस्ट्रॉइड फेथोन इज रिस्पॉन्सिबल। द एनुअल जेमिनिड मेट्रॉइड शावर इज जनरेटेड बाई एस्ट्रॉइड फेथोन डिस्कवर्ड इन 1983। Recent research had identified that the close proximity of the asteroid to the sun leads to vaporization of sodium within it, exhibiting comet-like activity. लेकिन हमें जानना पड़ेगा कि ये asteroid क्या होते हैं, meteor क्या होते हैं, meteorite क्या होते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। तो comet देखिए क्या होता है, जो ice sea body होती है जो घूमती रहती है हमारे ऊपर वाले मंडल में। A chunk of ice and rock originating from the outer solar system, often accompanied by a coma and a टेल। तो इस तरीके से आपको दिखता है, लेकिन आईसी बॉडी होती है सबसे लास्ट वाले जो हमारा एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर नहीं, जो बाहरी जो क्षेत्र है उसमें। एस्ट्रॉइड क्या होता है? एस्ट्रॉइड अ रॉक इन ऑर्बिटिंग जनरली बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, जो आप कहते हैं कि ऑर्बिट बेल्ट किसके बीच में होती है और कैसी होती है, रॉक के फॉर्मेट में इस तरीके की बेल्ट होती है। मेटेरॉइड क्या होता है? देखिए मेटेरॉइड और मेटियोराइट में अंतर है। तो मेटेरॉइड होता है अ स्पेस रॉक दैट्स बिगर देन डस्ट ग्रेन बट स्मॉलर देन एन एस्ट्रॉइड। तो इससे तो छोटा ही है लेकिन जो आपका ग्रेन डस्ट है उससे बड़ा है। इफ स्ट्राइक अर्थ इट इज देन अ मेटेराइड। मेटेर क्या होता है? देखिए मेटेर जब ये भूमि की तरफ आने लग जाता है और उसमें आग लग जाती है पीछे की ओर, आपको पूंछ जैसे दिखती है ऐसे आगे की ओर को, है ना, जब ये नीचे की ओर फॉल करता है तो उसे कहते हैं मेटेर। मेटेराइड क्या होता है कि यही मेटेर जब जमीन पर टकरा जाता है उसे आप मेटेराइड कहते हैं। तो कॉमेट सबसे ऊपर हो गया, फिर आपका एस्ट्रॉइड हो गया, रॉकी बॉडी जो है, उसके बाद मेटेर हो गया जिसका साइज डस्ट ग्रेन से ज्यादा होता है लेकिन स्मॉलर देन एस्ट्रॉइड होता है। देन मेटेरॉइड अ स्पेस रॉक दैट इज बिगर देन डस्ट ग्रेन, अच्छा ये हो गया। फिर उसके बाद मेटेर जो भूमि की तरफ आता है या अर्थ के एटमोस्फियर की तरफ आता है और जलना, बर्न करना शुरू हो जाता है। मेटेराइट क्या होता है? जब वो नीचे पहुंच जाता है। तो इसकी स्पेलिंग कुछ ऐसी है, METORITE। इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी इज अंजी ब्रिज रिसेंटली फीचर्ड इन द न्यूज बीइंग कंस्ट्रक्टेड। तो हाल ही में समाचार में आया अंजी ब्रिज किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में बनाया जा रहा है? तो अंजी ब्रिज कहां पर बनाया जा रहा है? जम्मू एंड कश्मीर में, कुछ इस तरीके से। द अंजी ब्रिज इंडियाज इनॉग्रेटेड केबल स्टेड, जो केबल से इस तरीके से देखिए केबल लगा हुआ है इसमें। इट फॉर्म्स अ क्रूशियल सेगमेंट ऑफ 326 किलोमीटर रेल
लाइन लिंकिंग उधमपुर टू बारामूला बाय श्रीनगर सर्विंग एज अ सिग्निफिकेंट रेलवे कनेक्शन बिटवीन कश्मीर एंड द रेस्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे 2021-22 व्हिच स्टेट इज कैटेगराइज एज मोस्ट इनोवेटिव। तो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे के अनुसार किस राज्य को सबसे नवीन के रूप में मान्यता दी गई, इनोवेटिव कौन सा राज्य है सबसे ज्यादा, तो वो है आपका कर्नाटका एंड क्लोजली फॉलोड बाई तेलंगाना, जो साथ ही में तेलंगाना भी है। अब किसके द्वारा दिया गया है, द रिसेंट रिलीज बाय द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे, तो पहले भी था आपका, उसमें बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड इंडिजीनियस स्टील डिस्ट्रॉय ऑफ द प्रोजेक्ट 15B क्लास इन द इंडियन नेवी इज नेम्ड व्हाट, तो उसका नाम क्या है। स्टील शिप क्या होता है, अ शिप दैट इज दैट एम्प्लॉय स्टील टेक्नोलॉजी कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी टेक्निक्स इन एन एफर्ट्स टू मेक इट हार्डर टू डिटेक्ट बाई एन वन और मोर रडार विजुअल सोनार एंड इंफ्रारेड मेथड्स। तो स्टील टेक्नोलॉजी यानी कि उसे बहुत डिफिकल्ट होता है डिटेक्ट करना सोनार से या फिर आपका किसी भी रडार से या इंफ्रारेड मेथड से उसे डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये कैसा है, स्टील डिस्ट्रॉयर ऑफ द प्रोजेक्ट 15B क्लास इन द इंडियन नेवी, तो उसका नाम क्या है, इंडिजीनियस है, भारत में ही बने हैं, तो INS इम्फाल। और ये पहले ऐसा है जो विशाखापट्टनम क्लास का स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। ये यहाँ से आप स्टील डिस्ट्रॉयर जो है पहला, जहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के नाम पर इसका नाम रखा गया है, पहला ऐसा है। इट इज़ द थर्ड शिप ऑफ द क्लास एंड इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड एट मजगांव डॉक लिमिटेड। और ये भी पूछा जाता है कई बार कि कहाँ पर बनाया जा रहा है, तो INS इम्फाल, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच कंट्री डज द मेजोरिटी ऑफ गम अरेबिक अ क्रूशियल इंग्रेडिएंट फॉर फिजी ड्रिंक्स कैंडी एंड कॉस्मेटिक ओरिजिनेट एज इट इज सोर्स फ्रॉम द साहिल रीजन। तो फिजी पेय कैंडी और सौंदर्य प्रसाधनों के लिए एक महत्वपूर्ण घटक गम अरेबिक का अधिकांश हिस्सा किस देश से आता है, क्योंकि यह साहिल क्षेत्र से प्राप्त होता है। अब ये साहिल क्षेत्र कहाँ पर है, यह है आपका सूडान। सूडान की कैपिटल कहाँ पर है, खार्तूम में। अप्रॉक्सीमेटली 70% ऑफ द वर्ल्ड वाइड सप्लाई ऑफ द गम अरेबिक कम्स फ्रॉम द साहिल रीजन अकेशिया ट्री। अकेशिया ट्री से आता है, विच स्पैन थ्रू सूडान, तो जो सूडान में आपको यहाँ पर मिलता है। द ऑनगोइंग कंफ्लिक्ट इन द सूडान हैज लेड इन टू डिसरप्शन इन द सप्लाई चेन फॉर द एसेंशियल इंग्रेडिएंट यूज्ड इन द वेरियस प्रोडक्ट्स सच एज सॉफ्ट ड्रिंक चॉकलेट बार्स एंड रेड वाइन। तो इसके लिए इसका उपयोग किया जाता है, लेकिन कुछ एक जो ऑनगोइंग कंफ्लिक्ट चला उससे इसकी चेन जो सप्लाई है, सप्लाई चेन जो है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई, इसीलिए न्यूज में था। तो 70% ऑफ द वर्ल्ड सप्लाई फ्रॉम सूडान साहिल रीजन एंड प्रेजेंट कंफ्लिक्ट सप्लाई से डिस्टर्ब हुई है एंड गम अरेबिक पाउडर फ्रॉम अकेशिया ट्री यूज इन सॉफ्ट ड्रिंक कॉस्मेटिक्स एंड प्रिंटिंग इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन इशूड द रिपोर्ट टाइटल प्रमोटिंग मिलेट्स इन डाइट्स बेस्ट प्रैक्टिसेस अक्रॉस स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो किस संस्था ने आहार में बाजरा को बढ़ावा देने भारत के राज्यों के केंद्रशासित प्रदेशों में सर्वोत्तम प्रथाएं शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। तो नीति आयोग की रिपोर्ट है ये इस तरीके से आपको दिख जाएगा यहाँ पर, नीति आयोग की रिपोर्ट, बेस्ट प्रैक्टिसेस अक्रॉस स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। अब मिलेट्स, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने क्या किया है, डिक्लेयर किया है 2020 को एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट्स, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। एज अ प्रपोजल स्पॉन्सर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट दीज न्यूट्रल सीरियल्स। तो यहाँ पर देखते हैं आपकी कहाँ ज्यादातर इसका प्रोडक्शन होता है, जैसे कि ज्वार का प्रोडक्शन तो 4.24 मिलियन हेक्टेयर एरिया में हो रहा है, बाजरा है। देन गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर मिलेट्स एज पावर हाउस ऑफ न्यूट्रिशन, क्योंकि इसमें न्यूट्रिशन बहुत होता है, जो मोटे अनाज होते हैं। आज की जनरेशन में मोटे अनाज जो है उनका सेवन बहुत कम हो रहा है आज की जनरेशन में, तो इसीलिए इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। वाई मिलेट्स इसको देख लीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए मेन्स पॉइंट से जरूरी है। नेक्स्ट हमारे पास है, विच कंपनी वॉज रिसेंटली एलिवेटेड टू द स्टेटस ऑफ नवरत्ना सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस इन मई 2023। तो मई 2023 में किस कंपनी को हाल ही में नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का दर्जा दिया गया है। आंसर है आपका रेल विकास निगम लिमिटेड। द नवरत्ना कंपनीज आर पब्लिक सेक्टर एंटिटीज विद फाइनेंशियल ऑटोनॉमी टू इन्वेस्ट अप टू 1000 करोड़ विदाउट रिक्वायरिंग द अप्रूवल ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। रिसेंटली द इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर, इन्होंने क्या किया है, रेल विकास निगम को कैटेगरी वन में मिनी रत्न टू नवरत्न का स्टेटस दिया गया है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। तो इस तरीके से पहले आपका महारत्ना होता है, नवरत्न है, देन वी हैव मिनी रत्न। तो इसको आप डिटेल में देख लीजिएगा, जो आपको PDF मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव विच इंस्टीट्यूशन हैज इंट्रोड्यूस द लिक्विड नैनो डी अमोनिया फॉस्फेट इन इंडिया। किस संस्था ने भारत में तरल नैनो अमोनिया फॉस्फेट की शुरुआत की है। अब देखिए, इससे पहले आप जो खाद यूज करते थे बहुत ज्यादा लगती थी, लेकिन अब क्या होगा कि एक बॉटल लगेगी और उससे ही आपका काम बन जाएगा, जितना आप पहले यूज करते थे।
फॉर एग्जाम्पल इसमें भी बताया होगा, तो इसको किसने किया, ये इफको ने, यूनियन कॉर्पोरेशन मिनिस्टर अमित शाह रिसेंटली लॉन्च इफकोस लिक्विड नैनो डी अमोनिया फॉस्फेट। दिस नैनो लिक्विड फॉस्फेट वेयर 500 मिलीग्राम इज इक्विवेलेंट टू वन बैग, यानी कि 50 किलो का जो बैग आता था उसके लिए सिर्फ एक ही बॉटल लगेगी, अब एक बॉटल से काम चल जाएगा, जो 500 मिलीलीटर की बॉटल होगी तो उससे ही काम चल जाएगा, जितना एक पहले एक बोरी लगती थी। तो पांच बैग आपको खरीदने हैं तो पांच बॉटल खरीद लीजिए अब। एंड द सेल प्राइस कितना है अब, 600 पर 500 बॉटल, तो एक बॉटल यानी कि जो 500 मिलीलीटर की बॉटल है उसका प्राइस होगा 600 रुपए। द बैग इज करंटली अवेलेबल फॉर, और बैग कितने बैग का पाया है, 1350। तो देखिए दोनों बराबर है लेकिन प्राइस में कितना डिफरेंस है, यहाँ पर 600 का प्राइस है, यहाँ पर 1350 का प्राइस है, लेकिन काम दोनों एक सा ही करेंगे, बल्कि इससे ज्यादा प्रोडक्शन होगी, जो फूड ग्रेन में प्रोडक्शन है वो ज्यादा हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What term is used to describe an extremely luminous and powerful active galactic nucleus? तो अत्यंत चमकदार और शक्तिशाली सक्रिय गैलेक्टिक नाभिक का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो देखते हैं जरा किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपको दिख रहा है एक गैलेक्सी, गैलेक्सी का आपको दिख रहा है न्यूक्लियस, ये चमकता हुआ जो न्यूक्लियस है इसका नाम क्या है ये कह रहे हैं, तो वो है आपका क्वासर। Quasar, short for quasi-stellar radio source, were first discovered 6 decades ago. They are associated with supermassive black holes situated at the center of the galaxy. कहाँ पर? At the center of the galaxy. A quasar is characterized by being an extremely luminous and powerful active galactic nucleus. तो ये चमकदार है, powerful है. Recent research suggested that the collision of two galaxies is likely to trigger the ignition of the quasar. जब दो गैलेक्सीज का आपस में मिलन होगा तो उससे माना जा रहा है कि उससे इसकी शुरुआत हो जाए, इग्निशन हो जाएगा इसका, ठीक है, इस क्वासर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी होस्ट द एनुअल यूनाइटेड नेशंस परमानेंट फोरम ऑन इंडिजीनियस इश्यूज। तो कौन सा शहर वार्षिक स्वदेशी मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र स्थायी मंच की मेजबानी करता है? आंसर है आपका न्यूयॉर्क। द 22nd सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन परमानेंट फोरम On Indigenous Issues is scheduled to occur at the United Nations headquarters in New York. This forum represents the largest annual gathering of indigenous people. The priority theme for the session is Indigenous People, Human Health, Planetary and Territorial Health and Climate Change, a right-based approach. So, ye aapko New York mein hai, isko bhi yaad rakhiyega. Next question hai, as of 2023, what is the annual interest rate on deposits made under the Mahila Samman सेविंग सर्टिफिकेट अकाउंट? तो 2023 तक महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र खाता के तहत जमा राशि पर वार्षिक ब्याज दर क्या होगी? तो वो वार्षिक ब्याज दर होगी 7.5%। द यूनियन बजट इंट्रोड्यूस द महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट, अ न्यू स्मॉल सेविंग स्कीम डिजाइन फॉर वेमेन। तो महिलाओं के लिए ये है, तो केंद्रीय बजट में महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र की शुरुआत की है, जो महिलाओं के लिए डिजाइन की गई एक लघु बचत योजना है। 1 अप्रैल 2023 से शुरू होने वाले निवेश के लिए लॉन्च किया गया है, तो MSSS 7.5% की वार्षिक ब्याज दर प्रदान करता है, तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज द टर्म लीगल डेप्ट सेलिंग एसोसिएटेड? तो कानूनी ऋण सीमा किस देश से संबंधित है? कानूनी ऋण सीमा जो है वो कौन से देश से संबंधित है, न्यूज में चला हुआ था, तो यह है आपका यूएसए से, यूनाइटेड नेशन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सिचुएटेड है। द लीगल डेप्ट सीलिंग इन द यूनाइटेड स्टेट्स आल्सो रेफर्ड टू एज द बोरोविंग लिमिट इज स्टैट्यूटरी कंस्ट्रेंट ऑन द टोटल अमाउंट ऑफ नेशनल डेप्ट दैट द यूएसए ट्रेजरी इज परमिटेड टू इनकर। यानी कि यूएसए की यूएसए जो लोन ले सकता है उसकी जो लिमिट है वो कितनी है उसे ही आप कहते हैं। और ये न्यूज में क्यों था, क्योंकि इस लिमिट को बढ़ाया गया। तो रिसेंटली द यूएसए हाउस पास लेजिस्लेशन टू इंक्रीज द डेप्ट सेलिंग बाय 1.5 trillion USD accompanied by स्पेंडिंग restrictions। तो कुछ एक उसमें स्पेंडिंग रिस्ट्रिक्शन भी है कि इस तरीके से उसको खर्च ना किया जाए, स्पेंडिंग रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन उस लिमिट को बढ़ाया गया है, तो इसलिए आपको ये याद रखना है कि वट इज लीगल डेप्ट सीलिंग, कानूनी ऋण सीमा आखिरकार किस देश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज डिजाइन एंड डेवलप द T-14 अर्माटा बैटल टैंक? तो किस देश के द्वारा ये विकसित किया गया है T-14 अर्माटा
युद्ध टैंक, तो यह आपका रशिया, ये रहा आपका रशिया इज द कंट्री दैट हैज रिसेंटली डिप्लॉयड द T-14 अर्माटा बैटल टैंक टू फायर ऑन यूक्रेनियन पोजिशन। तो यूक्रेन और इनके बीच में जो युद्ध चला हुआ है उससे लेकर संबंधित है कि इस टैंक को वहां पर लाया गया है या फिर उसको लोकेट किया गया है। और इनिशियली अनवील्ड इन 2015 एंड इज नोटेबल फॉर द अनमैन्ड टरेट विद क्रूज हैविंग द कैपेबिलिटी टू कंट्रोल द आर्मामेंट्स रिमोटली, लगभग 80 किलोमीटर की स्पीड तक ये पहुंच सकते हैं। विच कंट्री इज इन द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग MI-17 हेलीकॉप्टर इंजन एंड ऑक्सिलरी स्पेयर पार्ट्स टू पाकिस्तान। तो कौन सा देश पाकिस्तान को MI-17 हेलीकॉप्टर इंजन और सहायक स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति करने की प्रक्रिया में है? इंपॉर्टेंट है, जो पाकिस्तान के लिए सप्लाई करेगा। तो कंट्री का नाम है यूक्रेन। तो यूक्रेन ने पाकिस्तानी सेना को MI-17 हेलीकॉप्टर इंजन और सहायक स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति की प्रक्रिया द्वारा प्रक्रिया शुरू कर दी है। MI-17 एक सोवियत डिजाइन किया गया सैन्य हेलीकॉप्टर है। तो MI-17 इज अ सोवियत डिजाइन मिलिट्री हेलीकॉप्टर यूटिलाइज फॉर ट्रांसपोर्टिंग पर्सनल कार्गो एंड इक्विपमेंट। एडिशनली पाकिस्तान इज सेट टू एक्सपोर्ट 3 कंसाइनमेंट ऑफ 155 mm आर्टिलरी एम्यूनिशन अराउंड टू यूक्रेन ओवर द नेक्स्ट 3 मंथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इंडिया हैज इनॉग्रेटेड द नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर इन कोलैबोरेशन विद विच कंट्री। तो भारत ने किस देश के सहयोग से नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर का उद्घाटन किया है? आंसर है यूके। द यूके इंडिया यूके नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर इज जॉइंट इनिशिएटिव बिटवीन इंडिया एंड द यूनाइटेड किंगडम। दिस सेंटर एम्स टू फैसिलिटेट कोलैबोरेशन बिटवीन स्टेक होल्डर्स फ्रॉम बोथ कंट्रीज फोकसिंग ऑन एरिया सच एज डी कार्बनाइजेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एंड अडॉप्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन एंड मोर। यानी कि हमें ज्यादा से ज्यादा फोकस कहां पर करना है? ग्रीन हाइड्रोजन पर, डी कार्बनाइजेशन पर। तो ये रहा आपका डी कार्बनाइजेशन, परिवहन प्रणालियां या हरित हाइड्रोजन पर। हमें अब आपको क्या करना है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है ग्रीन हाइड्रोजन, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रीन हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, तो वो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। और नेट जीरो एमिशन क्या होता है? तो नेट जीरो क्या है? नेट जीरो रेफर टू द बैलेंस्ड वेयर एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज आर ऑफसेट बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ द इक्विवेलेंट अमाउंट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। यानी कि जितना आप ग्रीन हाउस गैसेज का एमिशन हो रहा है एनवायरनमेंट में, उतना ही उसका एब्जॉर्प्शन हो जाए। अभी ऐसा नहीं हो रहा है, अभी क्या हो रहा है कि उसका जो जा रही है ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं उनका उत्पादन ज्यादा होता है, प्रोडक्शन, यानी कि प्रोडक्शन प्रोसेस से जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं तो वो ज्यादा है कंपेरेटिवली कि उसका एब्जॉर्प्शन हो। तो एब्जॉर्प्शन उसका कम हो रहा है और प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है ग्रीन हाउस गैसेज का, इमिशन ज्यादा हो रहा है, प्रोडक्शन है, इमिशन कहेंगे इसके लिए, ठीक है। तो इंडिया ने कुछ प्लेज दी है। तो पीएम मेक्स 5 प्लेजेस। इंडिया विल इंक्रीज इट्स नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी टू 500 गीगावाट बाय 2030। यहां से मेंस के लिए डायरेक्ट, सॉरी प्रीलिम के लिए भी डायरेक्ट, मेंस के लिए क्वेश्चन। इंडिया विल मीट 50% ऑफ इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030। इंडिया विल रिड्यूस द टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन बाय 1 billion tons फ्रॉम नाउ टू 2030। बाय 2030 इंडिया विल रिड्यूस द कार्बन इंटेंसिटी ऑफ इट्स इकोनॉमी बाय 45%। By 2070 इंडिया विल अचीव टारगेट ऑफ नेट जीरो। तो 2070 तक भारत जो है वो नेट जीरो एमिशन का टारगेट प्राप्त कर लेगा। प्लेजेस बाय टॉप 3 countries तो ये हैं, जैसे चाइना है, यूनाइटेड है और इंडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंपाइलिंग द नेशनल हेल्थ अकाउंट एस्टिमेट्स फॉर इंडिया? तो वो आंसर है आपका NHRSC, द नेशनल हेल्थ अकाउंट एस्टिमेट्स फॉर इंडिया आर प्रिपेयर्ड बाई नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर अंडर द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री। सिंस 2014 द NHA एस्टिमेट्स हैव बीन रेगुलरली रिलीज्ड एंड द मोस्ट रिसेंट द 7th रिपोर्ट फॉर द ईयर 2019-20 हैज बीन इशूड। तो ये रिपोर्ट जो है वो 2019-20 की इशू हुई है, तो भी लेटेस्ट जो है वो यही वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज नेशनल हेल्थ अकाउंट एस्टिमेट्स फॉर इंडिया 2019-20, यानी कि यही वाली जो रिपोर्ट है, जो रिपोर्ट पब्लिश की गई बाई नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर के द्वारा जो पब्लिश की गई है, इसमें यह कहा गया है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर इन द टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर। तो क्या कह रहा है कि इसके अनुसार कुल स्वास्थ्य व्यय में आउट ऑफ पॉकेट व्यय का प्रतिशत क्या है, कि आप अपने जेब से पैसा लगा रहे हैं अपने इलाज के लिए या कुछ भी ऐसा हेल्थ से रिलेटेड।
तो एज पर द लेटेस्ट कितना है, आंसर है 47.1%। एज पर द लेटेस्ट एनएचए एस्टिमेट्स रिपोर्ट्स फॉर इंडिया 2019-20 देयर हैज बीन अ डिक्रीज इन द शेयर ऑफ आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। तो ऐसा भी आ सकता है अगर मान लीजिए स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आता है, तो स्टेटमेंट में ऐसा आ सकता है कि भैया इंक्रीज हुआ है, किसमें डिक्रीज हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर आप देख रहे हैं किसमें डिक्रीज आया है, जो 62.6 से घट करके 47.1 हो गई है। तो ये आपको याद रखना है, दिस ऑनगोइंग डिक्लाइन इन ओओपीई दैट इज आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, ये ओओपीई क्या हुआ, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, इज इंडिकेटिव ऑफ द इंक्रीजिंग पब्लिक स्पेंडिंग ऑन हेल्थ केयर रिफ्लेक्टिंग प्रोग्रेस टूवर्ड अचीविंग यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इज कंसेप्ट दैट इंश्योर एवरीवन हैज एक्सेस टू क्वालिटी सर्विसेज हेल्थ सर्विसेज विदाउट फाइनेंशियल हार्डशिप। इट इंक्लूड द फुल रेंज ऑफ एसेंशियल हेल्थ सर्विसेज इंक्लूडिंग प्रिवेंशन हो गया, चाहे वो ट्रीटमेंट हो गया किसी तरीके की, एंड हेल्थ प्रमोशन इन इंडिया विच इज अगेन इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज इनिशिएटेड द बिग कैचअप इनिशिएटिव, तो किस संगठन ने बिग बिग कैचअप पहल की शुरुआत की है, आंसर हमारे पास है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। द बिग कैचअप इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च्ड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एज पार्ट ऑफ वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक, क्योंकि वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक चला हुआ था, आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में कि वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक कब मनाया जाता है, इस बार उसकी थीम क्या थी। द इनिशिएटिव एम्स टू एड्रेस द एड्रेस टू रिकवर और एड्रेस द सेटबैक्स इन द इम्यूनाइजेशन कवरेज कॉज्ड बाय द पेंडेमिक। तो क्या है इस पहल का उद्देश्य, महामारी के कारण टीकाकरण कवरेज में आने वाली बाधाओं को दूर करना है, कि इसमें बाधा नहीं आनी चाहिए, टीकाकरण सभी का होना चाहिए और उससे उबरना है। तो WHO अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य संगठनों के साथ 2019 में देखे गए कम से कम स्तरों का आवश्यक टीकाकरण कवरेज को बहाल करने के प्रयासों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इस पहल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान सहित 10 देशों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यहां से स्टेटमेंट क्या बन सकती है कि कौन से देशों पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, तो उसमें से आपका पाकिस्तान है, दूसरा आपका अफगानिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ मेनी इंस्टांसेस ऑफ जीरो शैडो डे अकर इन अ फाइनेंशियल ईयर ईयर फॉर लोकेशन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच की स्थानों पर एक वर्ष में शून्य छाया दिवस की कितनी घटनाएं घटित होती हैं, तो छाया यानी कि छाया दिवस आपको वहां पर छाया नहीं शो होगी, जैसे कि ऐसे, तो कौन कौन से वो डेज होते हैं, कितनी बार ये होता है साल में जहां पर आपको अपनी छाया जो आप दिखती ही नहीं है। तो देखिए एक तो इसको याद रखिए, जब आप समर सोलस्टाइस से इधर की ओर आते हैं ऑटम सोलस्टाइस सॉरी ऑटम इक्विनॉक्स और इधर विंटर सोलस्टाइस, तो दो तो आपके सोलस्टाइस होते हैं और दो आपके इक्विनॉक्सिस होते हैं जहां दिन और रात बराबर होते हैं, ठीक है। तो अभी हम कहां पर है, यहां से चल पड़े हैं, अभी उत्तरायण से चले हैं, तो 22 दिसंबर अभी बीता, अब जनवरी से जा रहे हैं ना, तो फिर आएगा आपका स्प्रिंग इक्विनॉक्स, जैसे जैसे आप आगे क्यों जाएंगे 20 मार्च तक जाएंगे तो स्प्रिंग इक्विनॉक्स आ जाएगा, यहां पर दिन और रात बराबर हो जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे आप इधर की ओर जाएंगे तो दिन और रात का जो अंतर है वो थोड़ा घटता बढ़ता रहेगा, यानी कि दिन की जो मात्रा है वो बढ़ती रहेगी। ये तो एक तो होता है आपका दक्षिणायन, ये हो गया आपका दक्षिणायन जब आप समर सोलस्टाइस से आ रहे हैं विंटर की तरफ, अब विंटर से जाएंगे उत्तरायण से, विंटर से जा रहे हैं आप समर की तरफ को, तो इसका मतलब ये हो गया जैसे विंटर है अभी चला हुआ, तो विंटर से आप समर की तरफ जा रहे हैं तो उसका मतलब हो गया उत्तरायण, तो दक्षिणायन और उत्तरायण में अंतर समझ आ गया। देखिए फॉर द एरिया सिचुएटेड बिटवीन 23 + 23.5 एंड 23 - 22 3.5 डिग्रीज लैटिट्यूड द अकरेंस ऑफ द जीरो शेडो डे हैपेंस ट्वाइस अ ईयर, तो कितना होता है साल में दो बार। दिस फिनोमिना अकर्स ड्यूरिंग उत्तरायण, द सन्स मूवमेंट फ्रॉम द साउथ टू नॉर्थ फ्रॉम विंटर सोलस्टाइस टू समर सोलस्टाइस एंड दक्षिणायन। तो वही है कि एक तो आपका उत्तरायण की समय और दूसरा आपका दक्षिणायन की समय। ड्यूरिंग दिस पीरियड द सन्स declination aligns exactly with the location's latitude, causing the sun to be directly overhead at noon, resulting in the absence of the shadow for object. इस तरीके से आपको वो shadow जो है वो आपको show नहीं होती है, जब यहाँ पर समय जब sun जो है वो कुछ इस तरीके से होता है, sun overhead at noon at tropic of cancer. तो tropic of cancer वो जो sun की छाया हो वो सीधी पड़ती है और आपको अपनी छाया कहीं पर दिखती नहीं है, ये light आपको सीधी पड़ रही है ना, जब भी आप मान लीजिए मैं आपको सीधी light दे रहा हूँ, तो जैसे सीधी लाइट पड़ेगी तो उसकी शेडो कहीं पर आपको दिखाई नहीं देगी, जैसे ही थोड़ी सी लाइट टेढ़ी हुई तो वैसे ही आपको वो शेडो दूसरी तरफ दिखने लग जाती है। तो बस वही है कि दो साल में दो बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट स्टडी विच कंट्रीज ट्रीज एंड क्रॉप्स एग्जिबिट हायर एयर पॉल्यूशन टॉलरेंस इंडेक्स, क्या कह रहा है, कौन सी ऐसी हाल ही में एक अध्ययन के अनुसार किस देश के पेड़ और फसलें उच्च वायु प्रदूषण सहनशीलता सूचकांक प्रदर्शित करते हैं, कि वो ज्यादा चीजें सहन कर सकते हैं
ज्यादा प्रदूषण वो सहन कर सकते हैं, यह क्वेश्चन कह रहा है। तो वो है आपका इंडिया। अ स्टडी असेसिंग द एयर पॉल्यूशन टॉलरेंस इंडेक्स हैज रिवील्ड दैट सर्टेन ट्रीज एंड क्रॉप्स नेटिव टू इंडिया एग्जिबिट अ हायर APTI, यानी कि हायर एयर पॉल्यूशन टॉलरेंस इंडेक्स, जैसे कि पीपल का पेड़ हो गया, नीम का पेड़ हो गया, मैंगो एंड क्रॉप सच एज मेन पिगन पी एंड सेफ्लोअर विच आर इंडिजीनियस टू इंडिया एंड आर फाउंड पोजेसेस द एबिलिटी टू मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ द पोल्यूशन बाई इफेक्टिवली अब्सॉर्बिंग द फिल्टरिंग पॉल्यूटेंट। ठीक है, तो भारत आपने याद रखना है कि कौन सा देश ऐसा है जिसके पास ऐसे कुछ पेड़ पौधे हैं जिन्हें ज्यादा क्षमता है, वो ज्यादा पॉल्यूशन को सहन कर सकते हैं, टॉलरेट करने की कैपेसिटी उनके पास है। द सेकेंड डीपेस्ट ब्लू होल वॉज रिसेंटली फाउंड ऑफ द कोस्ट ऑफ याकून पेनिनसुला इन विच कंट्री। तो एक तो आपको यहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है कि युकाटन जो पेनिनसुला है वो कहां पर है, तो ये होगा आपका मेक्सिको, और यही इसके साथ में ये लगता होगा आपका युकाटन पेनिनसुला। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इसके साथ में क्या लगता है, तो आपका गल्फ ऑफ मेक्सिको। तो वी हैव ब्लू होल्स आर एक्सपेंसिव अंडर वाटर वर्टिकल केव्स और सिंक होल्स टिपिकली लोकेटेड इन द कोस्टल एरियाज, जो आपको लगभग कोस्टल एरिया, तो यहाँ पर भी आपको कोस्टल एरिया में ही तो दिख रहा है ना। रिसेंटली द डिस्कवरी ऑफ द सेकेंड डीपेस्ट ब्लू होल वॉज मेड ऑफ द कोस्ट ऑफ द कोस्ट ऑफ द युकाटन पेनिनसुला इन द मेक्सिको। द न्यू ब्लू होल रीचेज अ डेप्थ ऑफ अप्रोक्सीमेटली 900 feet, रैंकिंग सेकेंड ओनली टू द ड्रैगन होल इन द साउथ चाइना सी इन टर्म्स ऑफ डेप्थ, विच इज इम्पॉर्टेंट, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कि भैया एक पेनिनसुला, एक जो युकाटन पेनिनसुला है वो लार्जेस्ट ब्लू होल है, वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट, लेकिन अगर वर्ल्ड के लार्जेस्ट की बात करें, सेकेंड लार्जेस्ट ये है, लार्जेस्ट की बात करें तो वो है आपका ड्रैगन होल इन द साउथ चाइना सी इन टर्म्स ऑफ डेप्थ की बात करें, तो ये 900 फीट है, युकाटन मेक्सिको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू विच स्पीसीज डज पायरोसोमा अरुणाचलिसिस डिस्कवर्ड इन द टेल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के टेल वन्यजीव अभ्यारण्य में खोजी गई पायरोसोमा अरुणाचलिसिस किस प्रजाति से संबंधित है? आंसर इज मॉथ। द न्यू मॉथ स्पीसीज नेम्ड आफ्टर अरुणाचल प्रदेश वेयर इट इज फाउंड, तो जहां पर इस मिली है तो उसे हम कहते हैं पतंगा, आपने सुना होगा। तो पायरोसोमा अरुणाचलिसिस अरुणाचल प्रदेश के टेल वन्यजीव अभ्यारण्य में कीट की एक नई प्रजाति खोजी गई है। यह खोज भारत में पायरोसोमा जीनस से संबंधित प्रजाति की पहली पहचान का प्रतीक है, जिससे यह दुनिया भर में अपनी पहली तरह की 12वीं प्रजाति बन गई है। लास्ट क्वेश्चन वी हैव, विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी इंट्रोड्यूस द फिफ्थ स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम। तो किस राज्य ने केंद्र शासित प्रदेश में फिफ्थ टी स्कूल परिवर्तन कार्यक्रम शुरू किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। अब किससे संबंधित है, आपने 5G तो सुना ही होगा, अगर 5G सुना है तो लगभग ऐसे ही ट्रांसफॉर्मेशन कुछ इस तरीके से है, तो वो है आपका ओडिशा। चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा रिसेंटली इनॉग्रेटेड द थर्ड फेज ऑफ 5G स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम। दिस इनिशिएटिव एम्स टू एनहांस स्कूल्स विद मॉडर्न टेक्नोलॉजी, डिजिटल एंड स्मार्ट क्लासरूम, ई लाइब्रेरीज एंड लेबोरेटरीज। अ टोटल ऑफ 357 ट्रांसफॉर्म स्कूल्स वर इनॉग्रेटेड इन 4 districts एज अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, विच इज अगेन इंपॉर्टेंट। कि भैया 5G, जब 5G संबंधित है तो 5G भी कहीं ना कहीं आप याद रख ही सकते हैं ना। तो ये थे हमारे मई के करंट अफेयर, ये है पार्ट वन, ठीक है, याद रखिएगा इसको। मई के हमने करंट अफेयर डिस्कस किए हैं अभी, और इसका पार्ट वन था ये। कितने पार्ट होंगे मई के? तो 5 पार्ट होंगे। हर एक महीने के कोशिश हम यही करेंगे तो कि उसको 4-5 पार्ट में हम क्लोज कर देंगे। जो हमने प्लानिंग डिस्कस की है 75 डेज स्ट्रेटेजी किस तरीके की होगी, तो उसका ये पहला हिस्सा था करंट अफेयर का। आई होप कि आप सभी को अच्छा लगा होगा या आप सभी को समझ आया होगा। नहीं समझ आया होगा तो आप कुछ और तरीके बता सकते हैं, लेकिन बताइएगा जरूर, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कैसा लगा, यहाँ तक आप पहुँचे भी हैं कि नहीं, तो हमें पता चले कि आपकी रिटेंशन कैपेसिटी कितनी है, या फिर आप कितनी देर तक करंट अफेयर देख सकते हैं, करंट अफेयर की क्लासेस को, या कहीं आप और से भी कर रहे होंगे तो देखिए चांसेस आपको लेने हैं, आपको कवर तो करना ही है, किसी भी तरीके से आपको कवर करना है करंट अफेयर, क्योंकि मेजोरिटी पोर्शन तो यहीं से आ रहा है आपका। तो जब मेजोरिटी पोर्शन आ रहा है तो क्यों ना इसको अच्छे से किया जाए। इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पर तो मिल ही जाएगी, साथ ही साथ में हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर कोई आईफोन यूज़र है तो वो उसके लिए दूसरी एप्लीकेशन है माई इंस्टीट्यूट करके, और उसमें कोड आपको जो फिल करना पड़ेगा दैट इज OFFJD, ठीक है। तो ये हो गया आपका, और स्टार्टिंग में मैंने आप सभी को स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में भी बता दिया है, और जितनी भी
और जो क्लासेस अभी हो रही हैं वो क्लासेस आपकी कंटिन्यू होती ही रहेंगी। हिमाचल का जो पोर्शन बचा हुआ है और इसके कुछ मेन से क्वेश्चन, जैसे कि बीच में कुछ भी आया है, फॉर एग्जाम्पल जहाँ पर हमने बात की थी ग्रीन हाइड्रोजन की, तो थोड़ा बहुत आप खुद से एक्सप्लोर करिए कि आप इसमें और कहाँ तक जा सकते हैं, क्या चीज़ें आपको पता है और क्या चीज़ें आपको नहीं पता है, तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर कीजिए ताकि आप सभी एंगल को बना रखें। और इसके थोड़े से शॉर्ट्स नोट बनाने हैं आपने, क्योंकि मई से हम चलेंगे आगे की ओर को, मई जून जुलाई इस तरीके से चलेंगे, तो उसमें वक्त भी लगेगा आपको और हो सकता है आप ज़्यादा ही नोट्स बना लें। ज़्यादा नोट्स नहीं बनाने हैं, लिमिटेड नोट्स बनाने हैं और उनका रिविजन करना है बार बार। बस इसको आपने स्टैटिक से जोड़ देना है। कुछ कोशिश देखिए हमने भी यहाँ पर की है कि उसको हमने जोड़ दिया है, लेकिन फिर भी अपने एंड से आपको कोशिश करनी है कि आप कैसे इसको और ज़्यादा बेहतर करेंगे। हम इसको भी और ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश करेंगे डे बाई डे। बस आपको एक ही चीज़ करनी है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।